बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर, दिस इज़ असद फ्रॉम ट्रेंड्स कलेक्शन ऑनलाइन स्टोर। आज हम एक ही लाभ का बहुत हिट आर्टिकल आपके सामने लेके आए हैं। ये हमारी बेटर देन ओरिजिनल वाली जो कैटेगरी है उसका आर्टिकल है। ये जो प्राइस इसके हैं ओरिजिनल, ये भी मेंशन है 15,900 रुपये इसके प्राइस हैं, और हम आपको 50% से भी कम में ये सूट देंगे और बेटर देन ओरिजिनल। अच्छा, ये बेटर देन ओरिजिनल किस तरह है ये पूरा आपको अनपैक करके दिखाते हैं। अच्छा, इसको अनपैक किया है मैंने, अब आपको उसको दिखाते हैं। इसका ओवरव्यू दे दूँ सबसे पहले कि बेटर देन ओरिजिनल हम आपको कह रहे हैं तो वो किस तरह है। पहले आप थोड़ी सी इसकी चीज़ें देख लें। ये इसका फ्रंट है, ठीक है, ये इसकी बैग्स वगैरह हैं, स्लीव्स हैं, दामन के पैचेस हैं, एक ये दामन का हैंडमेड पैच है, ये इसका प्योर रॉ सिल्क का ट्राउज़र है जो ब्रांड्स देते हैं, ठीक है। एक और ये फैब्रिक है, ये भी आपको बताएंगे, स्लीव्स का फैब्रिक है। और जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है इसका दुपट्टा, जो कि बेटर देन ओरिजिनल से भी अच्छा है। आप ये देख लें, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसके अंदर जो ब्रांड्स लगा के नहीं देते, सब चीज़ अलग से, यहाँ तक कि ये जो हमने लगा के दी टसल्स, ये ब्रांड आपको नहीं लगा के देगा, ना ये लेस आपको ब्रांड देगा आपको, यहाँ तक कि ये लेस भी अलग देता है ब्रांड, जिसको आपने ख़ुद टेलर से लगवाना पड़ता है, जिसके वो अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं। तो अब आएँ इसको ओपन करते हैं और एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके, क्योंकि मैं इसका फ्रंट काफ़ी आपको डिटेल में दिखाऊँगा, तो आप वीडियो लाजमी कम्प्लीट देखें, ठीक है। तो अब इसको अनपैक करते हैं, पूरा डिटेल के साथ आपको दिखाते हैं। जी, तो अब इसको अनपैक कर दिया है, मैं आपको रिपीट कर दूं, इलाफ ब्रांड है, इलाफ प्रीमियम, इसका कोड EPC04 है, लग्जरी हैंडवर्क कलेक्शन है आपके सामने है, और ये इसकी सारी डिटेलिंग है। इसका जो डिज़ाइन का नाम है वो है रोजीट के नाम से। तो अब इसको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है प्योर रॉ सिल्क का इसका ट्राउज़र है, जो कि ब्रांड्स यूज़ करते हैं, हमने भी वही यूज़ किया है, सेम प्योर रॉ सिल्क का ट्राउज़र। ये मैंने नीचे बिछाया है ताकि आपको कलर वाजे हो सके कि कलर क्या है, ठीक है। फ्रंट इसका ऑर्गेन्जा पे है, प्योर ऑर्गेन्जा पे है। अब इसकी डिटेलिंग आपको नेक लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ये इसकी नेक लाइन है, अब आप खुद देख लें कि ये नेक लाइन में इसका काम की क्या फिनिशिंग है। डिटेलिंग आप देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ें हैं जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इसके अंदर, इतनी इसके अंदर डिटेलिंग के साथ काम हुआ हुआ है। जरी और सीक्वेंस, ग्लिटर सीक्वेंस का इसके अंदर काम है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर राउंड पल्स दिए हुए हैं और थोड़ा सा ओवल शेप वाले भी पल्स हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है वो नलकियों का काम है, बड़े सीक्वेंस का काम है, जो बड़े 9mm सीक्वेंस होता है उसका काम है, ठीक है। ये पूरा अड्डा वर्क है, ये कोई चीज़ जो है हाथ से चिपकाई हुई नहीं है, ये आप देख सकते हैं। कलर भी उम्मीद है आपको वाजे हो रहा होगा, ठीक है। ये पूरा फ्रंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वन गो पीस है ये, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एप्लिक करानी पड़े आपको। हाँ, दामन का ज़रूर एक पीस है जो लेंथ की वजह से जो है अलग से देना पड़ता है, कि किसी को छोटी लेंथ बनानी है या किसी को बड़ी लेंथ बनानी है, तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सके। इस वजह से दामन जो है वो हमें मजबूरी है सेपरेट देना पड़ता है। तो काम की डिटेलिंग जो है वो आपने देख ली होगी, किस फिनिशिंग से, कितनी नफासत से ये पूरा फ्रंट हमने रेडी किया है। बहुत टाइम लगता है इसको, फ्रंट को रेडी करने में, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी बहुत हमारे पास लिमिटेड होती है। तो आप ऑर्डर करें ताकि फौरन, ताकि आपको ये चीज़ मिल सके, क्योंकि जितने भी स्टॉक आ रहे हैं बेटर देन ओरिजिनल वाले, वो सब ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं अब तक। तो ये मैंने कंप्लीट आपको इसका फ्रंट जो है वो दिखा दिया है, ठीक है। ये पूरा इसका फ्रंट है, ये देखें आप इसके अंदर काम की फिनिशिंग और डिटेलिंग देखें। ये फुल जूम किया है मैंने ताकि आपको पता चल सके कि इसमें काम किया है। ये कोई चीज़ जो है मशीन से नहीं, ये सब हाथ से लगी हुई है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन डिटेलिंग आपको पता चलेगी तो आप खुद इसको ईजीली ऑर्डर कर सकेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब हाथ से लगी हुई हैं, ऊपर जितनी भी चीज़ें ना, ये सब हाथ से लगी हुई हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत नीट एंड क्लीन है,
या आप देखें फ्लावर्स के ऊपर कितनी नफासत से जो है एक एक चीज़ को टाका गया है, बहुत ज़्यादा नफासत का ख्याल रखा गया है इसके अंदर। अभी देखिए पूरा फ्रंट है, बहुत डिटेलिंग के साथ मैंने ये फ्रंट आपको दिखाया है ताकि आपको जो है समझने में कोई मुश्किल नहीं हो, ठीक है। तो अब इसका जो दामन का पीस है वो भी आपको रख के दिखाते हैं। अच्छा, अब आपने देख लिया होगा मॉडल का फ्रंट, तस्वीर में तो जाहिर सी बात है हैंडवर्क वाजे नहीं होता। अब दामन का पीस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसका दामन का पीस है। इसमें भी आपको पिक्चर में तो कोई हैंडवर्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें जो जैसा आता है ओरिजिनल में वैसा ही हम बनाते हैं, तभी ये क्लेम भी करते हैं कि ये बेटर देन ओरिजिनल है। तो ये पूरा पीस है ऑर्गेन्जा पे ही है, ठीक है। ये दामन का अलग से दिया गया है, अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप लेंथ की वजह से लगाएं या ना लगाएं। बहरहाल ये इसमें भी जो है बहुत डिटेलिंग के साथ काम किया है। ये देखिए आप, ये पीस जो है एप्लीक होगा आपके लेंथ के मुताबिक, जितनी आपको लेंथ चाहिए होगी ये उसके मुताबिक जो है ये एप्लीक आप करा सकते हैं। थोड़ा बहुत छोटा करना हो छोटा भी कर सकते हैं और इसको फुल लेंथ भी लगा सकते हैं। फुल लेंथ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45, 46, 47 तक इजीली, इससे अबव भी इसकी लेंथ जाएगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा 12 इंच का जो है इसका बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं पूरा बॉर्डर। साइज़ का इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह स्मॉल मीडियम लार्ज जो आप बनाना चाहें एक्स्ट्रा लार्ज भी इसमें बन जाएगा, फैब्रिक इतना दिया गया है। तो ये पूरा फ्रंट कंप्लीट हो गया है, फ्रंट पूरा हैंडवर्क ऑर्गेन्जा पे है, दामन जो है ये भी पूरा ऑर्गेन्जा पे है, लेकिन अलग से पैच है, ये आपको एप्लिक कराना पड़ेगा। तो अब इसकी मज़ीद चीज़ों की तरफ आते हैं, वो भी आपको एक एक चीज़ खोल के। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी बैक ओपन की है, पहले आपको मॉडल में बैक दिखा दूँ, ये देख लें इसकी बैक। अच्छा, फ्रंट की साथ में कलियाँ भी दी हैं, मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन ये कलियाँ हैं साथ में, ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट की साइड की कलियाँ हैं। एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सेल जिसको बनाना हो वो भी ये बना सकता है। ये पूरा फैब्रिक दिया है ऑर्गेन्जा पे, थ्रेड जरी का काम है और सीक्वेंस ग्लिटर सीक्वेंस काफ़ी महंगा होता है वो यूज़ किया गया। तो ये जो है कलियाँ हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब बैक की तरफ आ जाते हैं, बैक पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में ये बॉर्डर है, तो आपको दिखा दूँ। ये देखें नीचे, तो आपको मैंने बताया कि ट्राउज़र का फैब्रिक रखा है इसलिए ताकि जो है वो आपको कलर वाजे हो जाए। ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस थ्रेड और इसके अंदर मल्टी सीक्वेंस यूज़ किया गया है। अब आप देखें मल्टी सीक्वेंस लाइट में बहुत ज़्यादा वाज़े होता है, ठीक है। तो लाइट इस वक्त मेरे पास वो नहीं है जो जिससे जो है वो ये ग्लिटर सीक्वेंस शाइन करता है, मल्टी शेड देता है, वो लाइट मेरे पास नहीं है। तो डे लाइट में, क्योंकि वीडियो बन रही है ताकि आपको कलर इजीली पता चल सके, कोई आर्टिफिशियल लाइट में यूज़ नहीं करता वीडियो के लिए। अच्छा, दामन का ये बॉर्डर, ये देखें आपको हल्का फुल्का सा शेड आ रहा होगा दामन के उसके अंदर मल्टी कलर्स का, ये इसका दामन का बॉर्डर है। ये देखें मल्टी शेड इसके अंदर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस इसके अंदर यूज़ किया गया है और बहुत नफासत से। ये आप काम की फिनिशिंग देखें कितना नीट क्लीन और हाईली फिनिश्ड काम है। इसकी दामन की एक्सटेंशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फुल हैवी दामन है। अप्रॉक्सीमेटली 5 इंच का ये बॉर्डर होगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, 36 इंच की इसकी लेंथ है बॉर्डर की। तो ये पूरा इसका बॉर्डर है, ठीक है। मैंने आपको कलियाँ भी दिखा दी हैं साइड की, ये कलियाँ हैं, ये पूरी इसकी जो है बैक है, आप ओवरव्यू देख लें पूरी बैक का, ठीक है, फुल साइज़ की ये बैक है। अब आपको स्लीव्स की तरफ लेके आते हैं, इसकी इसकी स्लीव रह गई है, और फिर फाइनली बेटर देन ओरिजिनल दुपट्टा भी। अब इसकी स्लीव्स ओपन कर लिए मैंने, पहले आपको मॉडल पिक्चर दिखा दूँ, स्लीव्स काफ़ी बड़ी बनी हुई है इसके अंदर, तो हमने भी जो है वो सेम ही तरह की स्लीव्स दी गई है, सेम स्लीव दिए ताकि जो है वो सेम बने, जैसी मॉडल में वेयरिंग हुई हुई है इसी तरह जो है ये वेयर होगी। तो स्लीव दिखा देते हैं, एक स्लीव जो है इसकी चौड़ाई जो है 24 इंच है, जबकि अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको 2 स्लीव्स 24 इंच की मिलेंगी, यहाँ पे हम एक स्लीव आपको 24 इंच की दे रहे हैं, फुल साइज़ है ये स्लीव्स का। जो ब्रांड्स देते हैं जिस तरह स्लीव्स, हमने भी उसी तरह स्लीव्स दिए। काम की नफासत देख लें, फिनिशिंग देख लें, थ्रेड जरी सीक्वेंस का इसके अंदर काम है और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ठीक है, फुल साइज स्लीव्स है। और ये पूरी एक स्लीव मैंने आपको ये दिखा दी है,
ठीक है, ये पूरी एक स्लीव्स है और इसी तरह इसके ऊपर ये दूसरी स्लीव्स है, ये भी आप देख सकते हैं। सीक्वेंस इसके अंदर भी हुई, मल्टी सीक्वेंस यूज़ हुआ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये इसकी स्लीव्स है, ये पूरी ऊपर तक आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स है। हाईली रिकमेंडेड है हमारे तमाम रेगुलर कस्टमर्स को कि ये इसको लें, और बेटर देन ओरिजिनल। जिसने ये ओरिजिनल लिया होगा वो देख के वीडियो खुद ही समझ जाएगा कि वाकई जो है ये बेटर देन ओरिजिनल है। अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ इसकी। जी तो फाइनली दुपट्टा इसका ओपन कर लिया है मैंने, थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। आप ये देखें ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के पल्लू अलग हैं, उसके बॉर्डर अलग हैं, पट्टी अलग है और दुपट्टा अलग है। पांच हिस्सों के अंदर ये दुपट्टा है, और हम जो बेटर देन ओरिजिनल का क्लेम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम आपको रेडी टू वेयर दुपट्टा देते हैं प्लस टसल्स के साथ। तो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये इसका बेंबर प्योर का दुपट्टा है, ठीक है। इसके ऊपर ये मोटिव्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं मोटिव्स की फिनिशिंग कितने नीट एंड क्लीन मोटिव्स हैं। ये मैं आपको वो शिफोन दिखा रहा हूँ जिस पे दुपट्टा इसका शिफोन का है, सूट जो है वो ऑर्गेन्जा पे है और शिफोन पे इसका दुपट्टा है, प्योर बेंबर का इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। सेकंड ये कि इसकी लेस है जो कि ब्रांड्स ने अलग से दी थी, हम आपको ये जो है लेस लगा के दे रहे हैं। ये इसकी लेस है, रॉ सिल्क फैब्रिक पे ये लेस है। ये फोर साइड जो है वो हमने फिनिश करके आपको दिए, ये देख लें फिनिश लेस्ड है ये, बिल्कुल आपको दुपट्टे पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़ हो गई दुपट्टे की। थर्ड ये कि एक ये बॉर्डर है दुपट्टे का, ये भी हमने आपको लगा के दिया, मल्टी कलर का बॉर्डर है जैसा सूट के अंदर दामन में आया था उसी तरह का ये बॉर्डर है। तीन चीज़ हो गई, और चौथी चीज़ जो है दुपट्टे का ये पल्लू, ये पल्लू और ये लेस ऑर्गेन्जा पर है, ठीक है, और ये चीज़ ब्रांड्स अलग से देते हैं। तो ये चार हिस्सों में जो दुपट्टा है ये हमने आपको फिनिश्ड करके दिया है, ठीक है। ब्रांड्स फिनिश नहीं करते इसलिए हम क्लेम करते हैं बेटर देन ओरिजिनल। काम की फिनिशिंग आप देख लें कितना नीट एंड क्लीन काम है। डल ग्लिटर सीक्वेंस इसमें यूज़ किया गया है, जरी थ्रेड का इसके अंदर काम है, ये आप देख सकते हैं कितनी नफासत से नीट एंड क्लीन। हाईली रिकमेंडेड है हमारे तमाम वो कस्टमर्स को जो जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार चीज़ें हो गई जो ब्रांड्स ने अलग अलग दी थी, हमने आपको वन गो में करके दी है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि हमने आपको पांचवी चीज़ ये लेस लगा के दी है, और छठी चीज़ ये कि ये पूरी जो है टसल्स लगा के दिए हैं। ये कोई भी नहीं, ना तो लगा के देता है और ना ही कोई अलग से देता है, ब्रांड्स भी अलग से नहीं देते ये चीज़ें। तो ये सारी लटकने जो है हम आपको ना ब्रांड्स देता है, हम आपको ये सब लगा के दे रहे हैं। बिल्कुल फिनिश दुपट्टा है, आप देख सकते हैं नीचे भी लेस लगा के दी है, ठीक है, नीचे भी लेस लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये 2.5 गज से ऊपर दुपट्टा है, ये पूरी रेडी टू वेयर। अप्रॉक्सीमेटली इस दुपट्टे को अगर आप इस तरह टेलर से बनवाने जाएंगे तो ये 1200 to 1500 का दुपट्टा रेडी होगा। हमें भी काफ़ी कॉस्टली पड़ा है ये दुपट्टा, ठीक है। प्राइस आपको मैंने दिखा दिए, ओरिजिनल के प्राइस 15,900 रुपये हैं, हम आपको ये 47% के प्राइस में देंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये, यानी आपके पास 53% का डिस्काउंट आएगा, और वो भी बेटर देन ओरिजिनल की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा सूट दिखा दिया है, कोई क्वेरी हो आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्द से जल्द ऑर्डर करें। बाद में फिर कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि फिर ये सूट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ऑर्डर करें, कोई क्वायरी हो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, कंप्लीट सूट आपको दिखा दिया है। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।